हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। इस बार हम जरा नए टॉपिक को छेड़ रहे हैं, WD गार्न ट्रेडिंग टेक्निक्स। अगर आप YouTube पे यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर हिंदी ये टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको वहां पे सबसे पहले तो WD गार्न ट्रेडिंग टेक्निक्स के ये 11 अध्याय चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सब इंग्लिश में चैप्टर्स है और हमने सबसे पहले तो एक संकल्पना की है कि ये जो वीडियोस है एक एक करके हम हिंदी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो पहला वीडियो WD ग्रांड ट्रेडिंग टेक्निक्स, ये ऑलरेडी हमने उसके हिसाब से वो कन्वर्ट किया है और ये आपको मिल जाएगा। पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो ये इसके लिए हमने एक नया सा प्लेलिस्ट शुरू किया है हिंदी WD गार्न ट्रेडिंग टेक्निक्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैप्टर्स होने वाले हैं और ये हम बाकी के जो प्लेलिस्ट है उसके साथ में मिक्स नहीं करना चाहते, स्पेशली हिंदी के लिए। तो इसलिए एक ध्यान दीजिए, हिंदी WD गार्न ट्रेडिंग टेक्निक्स का ये अलग से एक प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम जरा डिटेल्स पे जाते हैं। सबसे पहले तो हमने पिछले जो वेबिनार था WD गार्न ट्रेडिंग टेक्निक ज्ञान एम्ब्लम के बारे में सीखा, तो ज्ञान एम्ब्लम में कुछ बेसिक चीजें आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी जो पृथ्वी होती है वो खुद के इर्द गिर्द घूमती है, ये पहला पार्ट है जिसको 24 घंटे लग जाते हैं एक दिन और रात पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। और उसी के साथ पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है और इसके लिए हमको 365 दिन लगते हैं, ये एक सर्कल जैसे हो गया है, तो इसलिए हम उसको एक सर्कल कंसिडर करेंगे। और 365 डेज, 365 दिन का एक पूरा सर्कल हो गया, ये ऐसे कंसिडर करेंगे। तो ये हमने उसी हिसाब से सर्कल कंसिडर किया है। और क्या होता है कि इसमें चार अलग अलग ऋतु होते हैं, बराबर। तो ये ऋतु के हिसाब से हमें कुछ ट्रेडिंग साइकिल्स की के बारे में भी पता चलता है। दूसरी चीज इसकी डेट से, एक इकोनॉक्स की और एक सोलस्टाइस की, तो दो इकोनॉक्स और दो सोलस्टाइस होते हैं तो उनकी कुछ स्पेसिफिक डेट्स रहती है, यहाँ पे डेट्स मेंशन की हुई है। तो ये डेट्स की बेसिस पे हम कुछ डिटेल चेक करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अगर देखोगे ये सर्कल जो है ये 365 डेज का सर्कल हो गया और इसके अंदर हमने जो देखे हैं मौसम होते हैं, सीजन्स होते हैं अलग अलग। तो ये सीजन्स अगर आप देखोगे कि अगर चार मौसम है अलग अलग और वो 365 दिन यानी फिर 360 डिग्रीज के अंदर में रहेंगे, तो अगर हम ये इसको डिवाइड करें 360 बाय 4 तो हर मौसम तकरीबन एक 4 महीने का आता है, 90 दिन का आता है, 3 महीने का। तो एक तो सबसे पहले ये जो हमको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर्स के चार साइड है और अगर आप देखेंगे तो ये हर एक मौसम को डिफाइन करता है। ये पहला मौसम हो गया, दूसरा मौसम हो गया, तीसरा मौसम हो गया, चौथा मौसम हो गया और ये चलता है लगभग 90 दिन के लिए। तो 90 दिन का एक सीजन है और इसी हिसाब से स्क्वायर में ये फिट होता है। इसके साथ में हमने फिट किया ये है ट्रायंगल, क्योंकि साइकिल जो होती है कभी कभी 90 दिन की होती है या फिर 120 दिन की होती है, ये पहली बात होगी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि आपकी जो साइकिल्स है वो हमेशा लो से या फिर हाई से शुरू होती है। मैं ये दोबारा बोलूंगा कि आपकी मार्केट्स में जो साइकिल है वो हमेशा हाई से या फिर लो से शुरू होगी। हाई टू हाई की साइकिल होती है और लो टू लो की साइकिल होती है, बाकी हाई टू लो की अलग से साइकिल नहीं होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप प्लीज, कि मार्केट की दोनों चीजें, एक तो साइकिल जो होती है 90 दिन की होती है या फिर 120 दिन की रहती है, एक साल में 120 दिन की एक दो तीन साइकिल हो सकती है, उसके बाद में फिर से 90 दिन की साइकिल रहेगी या फिर से 120 दिन की साइकिल हो सकती है। बट 120 दिन की और 120 दिन की और 90 दिन की साइकिल से एक साथ में मार्केट में होना थोड़ा मुश्किल है, अभी तक तो मैंने देखा नहीं, बट शायद आगे में आ सकता है, मालूम नहीं, ठीक है। तो हमारे सीजन्स के हिसाब से हमको ट्रेडिंग साइकिल्स पता चल सकती है, बराबर। तो हमने इसमें हमारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे, आइए ये एग्जाम्पल्स, चलो एग्जाम्पल तो ये पर जस्ट देख लेते हैं। तो हमने दोनों साइकिल्स देखे थे, एक 90 दिन का साइकिल देखा था और 120 दिन के भी साइकिल हमने देखे थे।
और ये हमारा पहला टेक्निक हो गया था। देखिए इसके अंदर हमने ये हाई टू हाई क्या 190 दिन का साइकिल देखा था, और लो टू लो में हमने 120 दिन का साइकिल देखा। फॉर एग्जांपल ये साइकिल शुरू हुआ था 21 दिसंबर 2020 में। अभी ये डेट कहाँ से आया था सबसे पहले, तो ये जो हमने इक्विनॉक्स में देखा, तो इक्विनॉक्स का एक डेट है, तो हम वहां पे चेक करते हैं कि वो डेट से कुछ साइकिल शुरू होता है क्या, बराबर। तो इसलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम डिटेल में अगले चैप्टर्स में कवर करेंगे। ये चैप्टर्स ऑलरेडी हमने WD GAN ट्रेडिंग टेक्निक्स में इंग्लिश वाला जो वर्जन दोस्तों है बड़ा उसके अंदर दिया मजेदार, हुआ है, तो आपको अगर देखना है तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से चेक कर सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके अंदर में इक्विनॉक्स के लिए ये 11th वाला चैप्टर, 12th वाला चैप्टर और 13th वाला चैप्टर, ये तीनों हमने स्पेशली इक्विनॉक्स के लिए इस्तेमाल किया है। यहाँ पे डिटेल्स दिए हैं, और ये मार्केट में 2004 से लेके 2020-21 तक का पूरा मार्केट साइकिल्स ये तीन वीडियोस में कवर किया हुआ है। तो डिटेल्स के लिए प्लीज वहाँ पे चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट डेट कॉम को उसके हिसाब से मिल गई, राइट। और फिर स्टार्ट डेट के साथ में हमने शुरू किया 110 दिन का साइकिल। ये हमको साइकिल लो टू लो का मिल गया, दूसरा साइकिल फिर से लो टू लो का 120 दिन का मिल गया था, और उसके बाद में हमारा तीसरा साइकिल शुरू हुआ लो टू लो का 120 दिन का, बराबर। मैंने ट्रेड करते वक्त स्पेशली ये अगस्त 2021 में ट्रेड किए थे, और ट्रेड्स भी हमने उसके हिसाब से बताए हैं। दो स्पेसिफिक ट्रेड्स हमने लिए थे, और ये ट्रेड्स क्या थे कैसे थे मैं आपको जस्ट एक बार दिखा देता हूँ, जो नए रहेंगे उसके लिए, उनके लिए ही स्पेसिफिक। तो ये जो हमने ट्रेड्स लिए थे इसका डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो हमने ट्रेड्स लिए थे, ये अक्टूबर का ट्रेड लिया था, 18050 का ट्रेड लिया था। तो ये ट्रेड में ऑलमोस्ट हमको 10 गुना प्रॉफिट मिला था। ये सिर्फ निफ्टी में वो टाइम पीरियड पे ट्रेड लिया था, और उसके साथ में हमने फिर बाकी के भी ट्रेड लिए थे, वो भी एक बार जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, ये मल्टीपल ट्रेड्स के जस्ट डिटेल्स है ओवरऑल, आप पॉज करके लेगा तो एक बार देख सकते हो। और फिर उसके साथ में हमने रिलायंस पे भी ट्रेड्स लिए थे, तो ये रिलायंस का ट्रेड है। रिलायंस का जो अमाउंट मुझे लगा था ऑलमोस्ट उसका डबल अमाउंट हो गया था। तो ऐसे कुछ ट्रेड्स लिए थे, तो ऐसे नहीं है कि जस्ट हम साइकिल्स बता रहे हैं, ये मैंने एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, ये आपको बताना ज़रा ज़रूरी था। बट बहुत सारे लोग मुझे उसमें डाउट्स पूछ रहे हैं, तो स्पेशली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने डाउट्स पूछा है या फिर फोन किया है, बताया कि सर इसका रेफरेंस क्या है, कैसे कैसे नहीं। तो इसका रेफरेंस आता है WD GAN की अलग अलग थियोरीज में से। ये थियोरीज क्या है, कैसी है, कैसी नहीं, आइए चलो उनकी एक बुक है वो देखते हैं। ये बुक का नाम है टनल थ्रू द एयर। अभी टनल थ्रू द एयर के बारे में बताने के लिए तो हमको और कम से कम एक 5 से 6 वीडियोज लग जाएंगे। उसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे, उसमें एक टॉपिक रहेगा एस्ट्रोलॉजी का। बुक का जो साइकिल्स का डिटेल्स है वो हम अलग से कवर करेंगे, एस्ट्रोलॉजी अलग से कवर करेंगे, और कुछ बाकी बेसिक डिटेल्स है जो इंटरप्रिटेशन है बुक का, वो भी हम धीरे धीरे करके एक एक करके कवर करेंगे। तो ज्ञान साहब तो सबसे पहले कहते हैं कि ये आपको बुक सबसे पहले तो ये बुक लिखा था 1927 में, पब्लिश किया था ये बुक, बराबर है। और ये बुक में ज्ञान साहब 1932 तक होने वाली डिटेल्स हमको बताती है, जो एक्यूरेट टू द डेट थी, यानी 1927, 1928, 1929, 1930, 31 और 32, यानी 6 साल का उन्होंने उसके हिसाब से 6 साल तक का प्रडिक्शन उन्होंने उसके हिसाब से किया था, जो एक्यूरेट टू द डेट आया था, बराबर। और दूसरी चीज वो स्पेशली बताते हैं कि ये अगर बुक आपको पढ़ना है तो आपको ये बुक कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा, राइट। ये यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ताकि आपको इसके अंदर जो हिडन सीक्रेट्स है वो एक एक करके पता चले, पहली बार में पता नहीं चलेगा। तो आपको बताने के लिए जस्ट बता दूं कि मैंने खुद होके ये बुक 4 बार पढ़ी है। पहले बार इंटरेस्टिंग लगा, दूसरे बार कुछ कुछ चीजें समझ में आई, तीसरी बार और कुछ चीजें समझ में आई, तो मैंने बहुत सारा रेफरेंसेस स्टडी किया, देखा,
जाना परखा, और जैसे जैसे मैं डिटेल्स में घटता देखता गया, मुझे ज्यादा वो बुक में इंटरेस्ट आते गया, तो इसलिए मैंने और एक बार पढ़ी है। आगे में भी पढ़ता रहूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स अभी तक जानना बाकी है और उसके बारे में वीडियोस भी बनाना बाकी है, तो डेफिनेटली मैं आपको सब चीजें शेयर करते रहूंगा एक एक करके। चलो आगे देखते हैं बुक में क्या दिया हुए, क्या क्या। तो जैसे हमने ये चीज देख लिया, आपको एक एक जैसे पढ़ोगे तो उसके हिसाब से उसके जो सीक्रेट से मिस्ट्री है इसके अंदर में, एक एक करके आपको सब पता चलेगी, राइट। चलो देखते हैं तो इसके अंदर क्या क्या सीक्रेट से कैसे लिखे हुए हैं। तो इसके अंदर तो बेसिकली मोर ऑफ साइकिल्स है, हमको ये साइकिल समझना जरूरी है। कुछ कुछ साइकिल्स उन्होंने प्रोडक्शन के फॉर्म में हमको दिए हुए है, आइए एक एक करके देखते हैं। इन्हें मैंने क्या किया है, मेरी तरफ से एक समरी बना ली है जहाँ पे डिटेल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड में क्या होता है, पेज नंबर 9 पे क्या है, तो एक एक करके हम वो भी चीजें देखते हैं। तो पेज नंबर 9 है, आइए पेज नंबर 9 पे जाते हैं। तो ये उसकी माँ होती है, तो उनकी माँ को एक सपना आता है जब वो पैदा हुए रहते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस ये दोनों शहर पे बमबारी हुई है, वहां पे वॉर हो रहा है, और उनमें वो समय पे उनका जो लड़का है, दोनों लड़कों में से एक की ऑलमोस्ट वहां पे जान जा सकती थी, ऐसे हादसे हुए वहां पे, बट वहां से वो बच गया, और बचने के बाद में वो एक पीस मेकर के रूप में बाहर आया और ये दुनिया को उसने सेव किया। ऐसे उसका उसकी माँ का सपना था जो उसने देखा था, बराबर। तो ये कुछ साइकिल्स है उसके बारे में वो स्पेसिफिकली बताते हैं, एक एक साइकिल हम चेक करते हैं। पेज नंबर 41, तो चलिए जल्दी से पेज नंबर 41 पे जाते हैं और चेक करते हैं क्या डिटेल्स है, कैसे आते हैं और उनको उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि ये हिंदी में नहीं है, मराठी में भी नहीं है, इंग्लिश में ये बुक है, तो शायद थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो सकता है, बट एक बार अगर हो सके तो प्लीज पढ़ लीजिए। मैं वैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे बता दूंगा। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो देखिए उन्होंने पहले प्रेडिक्शन की है कि वॉर जो है वो शुरू होने वाला है, वो 1927 से शुरू होगा 1932 तक। जैसे हमने पहले गिना था 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 साल तक ये वॉर चलने वाला था, बराबर। तो 6 साल फिर से एक टाइम पीरियड है। एक तो सबसे पहले ये कुछ साइकिल्स के बारे में बताते हैं, तो ये साइकिल क्या है, कैसे कैसे नहीं, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए अभी डब्ल्यू डी कान साहब ने जो भी दिखाया, ऐसे नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बता दिया है, अलग अलग पेज पे अलग अलग डिटेल्स दिए हैं और हमको थोड़ा मैच करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है कि ये पजल का पार्ट्स कैसा है कैसा नहीं। तो आपको डिटेल चेक कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया उदाहरण के लिए 6 साल का ये साइकिल है, तो 6 साल का साइकिल जो है आगे में हमको मैच करना है। तो ये अगला आता है पेज नंबर 52 पे, यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 52, 6 ईयर 6 मंथ्स, तो वो भी चेक कर लेते हैं हम। पेज नंबर 52, 52। तो देखिए पेज नंबर 52 पे हमने दिया है, एंड इट कम्स टू पास इन द सिक्स्थ ईयर इन द सिक्स्थ मंथ इन द फिफ्थ डे ऑफ द मंथ, राइट। तो ये फिर से वॉर के बारे में उन्होंने डिटेल्स दिया है कि वॉर कमिंग है और उसका डिटेल्स है जो पृथ्वी को पूरा नष्ट कर देगी, ऐसे करके ओवरऑल डिटेल्स है। और ये उन्होंने बताया कि ये 6 साल 6 महीने और अगले महीने के 5 दिन, ऐसे इतने टाइम पीरियड तक चलने वाला है, राइट। तो ये रेफरेंस वहां से वहां तक आ गया, ऐसे में बताना आपको चाहूंगा। अगली साइकिल जो है फिर से उन्होंने और एक साइकिल के बारे में बताया है, तो ये अलग अलग साइकिल्स उन्होंने एक एक करके उसमें बताई हुई है। देखिए ये अगली साइकिल है, एंड इट कम्स टू पास इन द 12th ईयर इन द 12th मंथ इन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ। तो ये 12 साल 12 महीने यानी तकरीबन 13 साल की साइकिल उसके हिसाब से उन्होंने बताई है। देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज है, उनका इंटरप्रिटेशन भी अलग से है, इन्होंने ऐसी सीधी सीधी बात नहीं लिखी है, थोड़ी शायद घुमा फिरा के लिखी हुई है, तो ये हमको समझना भी पड़ेगा। कुछ कुछ जगह पे इंटरेस्टिंग है, जो हमारा इंटरप्रिटेशन रहेगा उसके हिसाब से हमको चीजें पता चल सकती है। तो ये 12 साल की 13 साल की साइकिल जो मैंने उसके हिसाब से बताई है। उसके बाद में फिर आता है रिपीटेशन ऑफ वेरियस बैटल्स, पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 तो उन्होंने बताया है कि एजिकियल जो है
बाइबल के हिसाब से जो भी बैटल्स होती है ये जनरली रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स होती है। देखिए ज्ञान साहब हमेशा साइकिल्स पे बहुत सारा एम्फोसिस करते हैं, दबाव डालते हैं, दबाव डालते हैं, और उसके बारे में हमको बताते हैं कि चलो ये कुछ चीजें हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना जरूरी है, और बार 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 वो चीजें क्यों बताते हैं, इसलिए कि वही चीज है जो आपको जानना है और उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो इनडायरेक्टली भी वही बताते हैं कि ये जो भी हुआ है फिर से रिपीटेशन ऑफ वॉर्स होता है या साइकिल्स होती है, जनरली हमेशा होती रहती है। उन्होंने और इसके हिसाब से प्रेडिक्ट किया था कि मिसिसिपी वैली में फ्लड आने वाला है। अभी ये फ्लड के हिसाब से क्या होगा, सबसे पहले तो देखिए इंटरप्रिटेशन होता है उसके हिसाब से। अगर फ्लड आया तो फ्लड क्या होगा, जब भी फ्लड आता है तो सबसे पहले वहां पे ज्यादातर कॉटन क्रॉप लगाते हैं, आप फार्मर जो होते हैं खेती करने वाले, तो वो ज्यादातर वहां पे कॉटन का खेती करते थे, तो किसान जो रहते हैं वहां पे बराबर। तो ये जैसे मैंने बताया कि रुई की जो रहती है कॉटन की खेती करते थे, और अगर वहां पे बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के वजह से क्या होगा, सबसे पहले तो वहां के खेती का नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान होगा तो उसके वजह से क्या होगा कि जो कॉटन है उसका जो फार्मिंग होता है वो कम होगा या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो भी कॉटन का फार्मिंग हुआ है या फिर थोड़ा रहेगा उसका डिमांड ज्यादा रहेगा क्योंकि सप्लाई कम हो गया, और जब ये सप्लाई कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, उसका प्राइजेस भी बढ़ जाता है। तो उनको ये बोलना था उसमें से विच वुड डिस्ट्रॉय द कॉटन क्रॉप और वुड ले वेस्ट वास्ट एकर्स ऑफ फील्ड लैंड, राइट। तो इसको उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया कि अगर उसका डिमांड हाई रहेगा तो फिर उसका प्राइस भी बढ़ेगा, ये उनका इंटरप्रिटेशन था, और वो मार्केट में वो चीज़ों का इस्तेमाल उसके हिसाब से करते थे। और उनको ये भी बोलना था कि ये मिसिसिपी वैली में जो फ्लड्स आए थे वो साइक्लिक है, वो कुछ स्पेसिफिक डेट पे शुरू होते हैं और एक टाइम पीरियड रहता है वो साइकिल का, तो वो डेट्स उन्होंने कुछ अलग तरह से निकाली थी। ये एस्ट्रोनॉमिकल साइकिल्स है जो उन्होंने निकाली थी, ये हम आगे जब भी एस्ट्रोलॉजी का चैप्टर्स कवर करेंगे या फिर अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप ये चैप्टर नंबर 8, 9 और 10, ये 3 चैप्टर्स में हमने एस्ट्रोलॉजी का पार्ट कवर किया है, या आप ये चैप्टर्स में देख सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी तरह से समझ में आती है तो प्लीज आप ये चैप्टर देखिए, आपको इनके अंदर में ये डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे मैं हिंदी में भी उसका अनुवादन करने वाला हूँ और जल्द ही उसका अनुवाद करके वीडियोस भी बनाऊंगा एक एक करके, थोड़ा समय दीजिए प्लीज मुझे। तो ये हमने और एक साइकिल के बारे में जाना। नेक्स्ट उसके बाद में की टू ऑल प्रोफेसेस इन बाइबल पेज नंबर 62। तो पेज नंबर 62 पे आते हैं, वहां पे क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अभी ज्ञान साहब का बाइबल पे बड़ा विश्वास था, तो वो बाइबल में की बहुत सारी चीजें हमेशा पढ़ते रहते थे, ऐसे उन्होंने बताया हुआ है, दर्शाया है बुक में। आई हैव फाउंड इन इट द की फॉर ऑल प्रोफेसेस। तो उनको बोलना था कि भाई इसके अंदर बाइबल के अंदर में बहुत सारी चीजें दी हुई है, ये आपको समझनी पड़ेगी, उसके अंदर कुछ रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से जो कंट्री देश का जो हिस्ट्री होता है, फिर से इन्वेंशंस होता है उनका जो साइकिल्स होता है, और या फिर स्टॉक मार्केट में कैसे काम होता है, उसका फोरकास्टिंग कैसे होता है, ये सब चीज़ें दिए हुए हैं, ये नियम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके साइकिल्स बाइबल में दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सही ढंग से उनको समझना है, ये इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से उसको समझना है बराबर। देखिए यहाँ पे उन्होंने वही बताया फिर से, प्राइस ऑफ कॉटन इज गोइंग वेरी हाई इन स्टेट। ये कभी बताया उन्होंने कि ये मिसिसिपी वैली का जो फ्लड आने वाला है वो टाइम पे, राइट। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रॉबर्ट होते हैं, रॉबर्ट के दोस्त होते हैं जिनका नाम है वॉल्टर, और वॉल्टर के पिताजी है जिनका नाम है मिस्टर J.H. कैलिनवर। तो रॉबर्ट मिस्टर कैलिनवर को लिखते हैं और उन्होंने उनको बताया है कि भाई मैं अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाला हूँ, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है मेरी बाइबल की, बाइबल के साथ में मुख्यतः उन्होंने कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं। तो ये
मेथड के हिसाब से मुझे पता चला है कि मिसिसिपी में सबसे पहले 1927 में फ्लड आने वाली है, और जब भी फ्लड आएगा तो स्प्रिंग में सबसे पहले तो कॉटन के प्राइजेज जो है भाव बढ़ जाए, तो अभी से मैं उसके हिसाब से लेके रखूंगा स्प्रिंग में, यानी तकरीबन जुलाई के महीने में, राइट। और उन्होंने उनको बताया कि चलो मैं अभी एक एक करके कॉटन के अभी अभी से बाई करके रखूंगा, यानी तभी मुझे उसके हिसाब से उसमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, राइट। तो ये चीजें थी, आइए नेक्स्ट पेज नंबर पे जाते हैं। 62 हो गया, 69। अभी 69 पे उन्होंने कुछ खास चीजें बताई है। ये जोना के बारे में है। तो जोना के बारे में कहानी है कि वो एक शार्क के मुंह में 3 दिन, शार्क या फिर वेल के मुंह में 3 दिन और 3 रात तक थे, बराबर है। अभी इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग अलग होता है, ये अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो दो चीजें उसके अंदर आती है, सबसे पहले तो ये हम आगे में देखेंगे, फिर से एक बार चेक करता हूँ मैं। हमने कौन सा पेज नंबर देखा था उसके अंदर, 69। तो 69 पे एक बार जाते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं। तो ये आ गया पेज नंबर 69। तो जोना की कहानी है उसके साथ में। हाँ, फॉर एज जोना वॉज 3 डेज एंड 3 नाइट्स इन द वेल्स बेली, सो शाल द सन ऑफ मैन बी 3 डेज एंड 3 नाइट्स इन द हार्ट ऑफ द अर्थ। अभी इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है कि जो मून होता है वो 3 तक हमको दिखाई नहीं देता है, तो ये एक उसका इंटरप्रिटेशन है। दूसरा हमारा इंटरप्रिटेशन मार्केट के हिसाब से है कि जनरली अगर मार्केट नीचे गिरता है तो कम से कम वो 3 दिन के लिए नीचे गिरता है। वो कैसे होता है आगे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो कम से कम 3 दिन तक वो उसके हिसाब से रेगुलरली नीचे जाएगा, राइट। यहाँ पे भी अगर नीचे जाना है तो कम से कम 3 दिन के लिए वो रेगुलरली नीचे जाएगा। यहाँ पे वैसे अगर उसको नीचे जाना है तो कम से कम 3 दिन के लिए नीचे जाएगा। वैसे अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो कम से कम 1 2 3 दिन के लिए ऊपर जाएगा, 1 2 3 दिन के लिए ऊपर जाएगा। फिर बाद में उसका एक ट्रेंड सेट होगा, ट्रेंड चेंज होगा, राइट। तो देखिए फिर से 1 2 3 दिन के लिए मार्केट रेगुलरली ऊपर गया, उसके बाद में फिर ऊपर जाना शुरू हो गया। तो ये अलग अलग ट्रेंड से ये आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, और एक बार हम ये चीजें समझ लेंगे, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ इतने ही पार्ट में हुआ है, अगर हम कौन सा भी पार्ट वहां पे चेक कर ले कैसे भी कहाँ पे भी, हमको यही साइकिल उसी हिसाब से देखेंगी। देखिए यहाँ पे भी ये 1 2 3 दिन के लिए उसके हिसाब से मार्केट में रिवर्सल आया है। अगर नीचे गिरना भी है ये हाई से 1 2 दिन के लिए मार्केट में नीचे गिरा, उसके बाद में भी हाई जो गिरना था वो हमेशा वैसे हुआ। तो गिरना या फिर ट्रेंड चेंज होता है, जब भी ट्रेंड चेंज करने के लिए देखिए, अगर ये देखो तो कम से कम 1 2 3 दिन के लिए उसके हिसाब से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, नीचे गिरने के लिए भी 1 2 3 दिन के लिए उसके हिसाब से नीचे गिरता है। तो अलग अलग साइकिल से हाई जाने के लिए देखो 1 2 ये 3 दिन के लिए उसके हिसाब से ऊपर जा रहा है, नीचे गिर रहा है तो शायद 1 2 दिन के लिए मार्केट नीचे गिरेगा। तो ऐसे ही ये साइकिल से, अलग अलग साइकिल से हमको समझना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये इंटरप्रिटेशन भी हमको समझना चाहिए उसके हिसाब से क्या हो रहा है क्या। ये पिछले पेज पे हमारा कुछ चीजें रुक शायद हमने एक्सप्लोर की थी, तो उसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो उसके ऊपर जो रॉबर्ट ने खत लिखा था मिस्टर केलिनवर्थ को, उसके ऊपर केलिनवर्थ साहब का फिर से वहां पे उनका रिप्लाई आया था रॉबर्ट को कि ये जनरली गैमलिंग होता है, मैंने इसमें बहुत सारा पैसा गवाया है, आप इसमें मत पड़ो, ऐसा करके उन्होंने बताया था। बट रॉबर्ट उनको रिप्लाई करता है और कुछ चीजें बोलता हूँ। ये उनको बोलता है कि मुझे मालूम है कि मार्केट में जो स्पेकुलेशन होता है इसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बट आप अगर इसको एक साइंस की तरह देखो और उसके कुछ नियम है वो फॉलो करो तो आपको सक्सेस और प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ये उन्होंने उसमें दर्शा के बताया था। तो उन्होंने ऐसे बताया है कि ये लेटर उन्होंने लिखा था तकरीबन 24 जनवरी को। तो उन्होंने बताया कि भाई 24 जनवरी को ऑलरेडी मैंने मेरी तरफ से 2200 बेल्स ऑफ कॉटन, जुलाई कॉटन ऑलरेडी खरीद लिए 13.8 की प्राइस पे। तो चलिए ये डिटेल्स हम एक एक करके उसमें लिख लेते हैं, बराबर। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो 24 जनवरी को उन्होंने 13.8 की प्राइस पे 20 बेल्स
ले लिए। तो चलो उसको एक काम करते हैं, हम एक कुछ अलग कलर डालते हैं डिटेल्स के लिए। चलो येलो कलर यूज करते हैं, राइट। तो येलो हमने डाल दिया कि ये हमारा कवर हो गया पहले पार्ट के लिए। ये एक एक जो भी डिटेल्स रहेगा, जिन्होंने जो भी प्राइस पे बाय किया रहेगा, तो एक एक करके हम डिटेल्स डालेंगे और उसके हिसाब से हम डेज भी काउंट करेंगे एक एक करके, क्योंकि हमको हाई लो का साइकिल मालूम करना है। 90 दिन का साइकिल, 120 दिन का साइकिल, ठीक है। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पेज टारगेट है फ्यूचर साइकिल्स, जो पेज नंबर 75 पे आता है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है या फिर जो भी है, यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आप सबसे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान लगाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हो। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए पेज नंबर 75 से। देखिए ये वाला पार्ट, राइट। तो 75 के अंदर में सबसे पहले तो ये फ्यूचर साइकिल से, ये मैंने उसके हिसाब से स्टार मार्क भी रखे हैं, इसलिए मैंने गुजारिश की आपसे कि आप जरा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले बोलते हैं कि प्रेडिक्शंस करने के लिए मार्केट में, उनको जो फोरकास्ट करना है, प्रेडिक्शंस करना है, उसके लिए वो ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स, गणित जो होता है और इसको ज्योमेट्री बोलते हैं, तो इनका उन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है मार्केट में, ये पहली चीज वो बताते हैं, राइट। वो दूसरी चीज बताते थे कि ये जो स्टॉक मार्केट काम करता है, ये साइंटिफिक लॉस के हिसाब से काम करता है और ये लॉज ऑलरेडी बाइबल में दिए गए हैं। तो साइंटिफिक लॉज है, कुछ साइंटिफिक बेसिक लॉज रहते हैं, साइकिल्स होते हैं उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक साइकिल देखें तो हमें पता चलता है कि ये बेसिक साइकिल्स जो है, ये हमारे साइंटिफिक साइकिल है कि पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूमती है, जिसको 24 घंटे लग जाते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, जिसको हम दिन और रात बोलते हैं, ये एक साइकिल स्पेशली हो गया। दूसरा साइकिल है कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, जिसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 दिन लग जाते हैं, थोड़ा एलिप्टिकल है ये, और उसके हिसाब से फिर थोड़ा सीजन्स में चेंज भी होता है, जिसको हम सोलस्टाइस और इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। ये स्पेसिफिक डेट्स होता है जब भी शायद हमारे जो सीजन्स होते हैं, ऋतु होते हैं, ये चेंज होते हैं, वो समय पे मौसम चेंज होते हैं। तो मौसम चेंज होने के कुछ खास स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, तभी ये चेंज होता है। तो ये डेट्स ऑलरेडी मेंशन किए हैं हमने, उसमें से कुछ डेट्स का ऑलरेडी इस्तेमाल किया था साइकिल्स के लिए। कहाँ पे थे हम? पेज पे थे, ओके, ये पेज पे, राइट। तो उन्होंने ये बोला है कि हमने उसमें से एक लॉ या फिर साइकिल के बारे में जान लिया जो नेचुरल है। दूसरी चीज ये बताते हैं कि अगर आपको मार्केट में कुछ जानना है, राइट, दैट इज इन ऑर्डर टू नो एंड प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ एनीथिंग, मार्केट में भविष्य में क्या होने वाला है, अगर इसको बारे में आपको जानना है, तो आपको पहले क्या हुआ था, व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये पहली बात होगी कि आपको पहले हिस्ट्री में क्या हुआ था, ये जानना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज वो क्या बताते हैं, एंड गेट अ करेक्ट बेस और स्टार्टिंग पॉइंट। तो ज्ञान साहब का फिर से बोलना बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको स्टार्ट पॉइंट जानना बेहद जरूरी है। अगर आप सही स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढ लेते हो तो आपको सही एंडिंग पॉइंट भी मिल सकता है। स्टार्ट पॉइंट यानी क्या, एक साइकिल, कोई भी साइकिल जो होती है उसका अगर आपको सही स्टार्ट पॉइंट मालूम है, तो उसके हिसाब से आपको उसका एंड कभी होगा वो भी पता चल सकता है। ज्ञान साहब का बोलना था कि प्राइस से इम्पोर्टेंट है टाइम, तो आप अगर टाइम पे ध्यान दोगे तो आपको सही प्राइस भी पता चलेगा, राइट। माय अथॉरिटी फॉर स्टेटिंग दैट द फ्यूचर इज बट अ रिपीटेशन ऑफ पास्ट इज फाउंड इन द बाइबल। तो उनको वही बोलना था कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये कुछ नहीं है बट सिर्फ रिपीटेशन है, पास्ट में जो हुआ है उसके बारे में आपको अगर मालूम है, या फिर आप मालूम कर सकते हो कौन सी साइकिल शुरू होने वाली है, कैसे शुरू होने वाली है, कब शुरू होने वाली है, तो आपको काम करना बहुत आसान हो जाएगा।
तो यहाँ पे फिर से वो वही बताते हैं, मैंने हाईलाइट किया जो किया है वही मैं उसके हिसाब से पढ़ के बताऊंगा आपको। या बोलते हैं कि दैट एवरीथिंग वर्क अकॉर्डिंग टू पास साइकिल्स, यानी जो पूर्व हिस्ट्री में पहले के साइकिल्स जो हुए हैं वही साइकिल्स आगे में रिपीट होने वाले हैं, और ये साइकिल्स रिपीट होते हैं मनुष्य के लिए, एक देश के लिए और एक स्टॉक मार्केट के लिए। ये बेहद जरूरी है जो उसके हिसाब से बताते हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें दिए हैं, अटलांटिक ओशन का एग्जाम्पल दिया, उसका सिविलाइजेशन का उसके बारे में एग्जाम्पल दिया। बट हम जरा इम्पोर्टेंट चीजों पे ही ध्यान देंगे इसमें। फिर से वो वही बताते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन उनकी एक किताब भी है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स, उनकी किताब से इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल से वो कलेक्ट करके वो उसके हिसाब से किताब बनाई है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। आपको वो गूगल पे आसानी से मिल जाएगी, या फिर मुझे रिक्वेस्ट कीजिए टेलीग्राम पे, मैं आपको वो भिजवा दूंगा। तो बोलते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन के हिसाब से बहुत सारी साइकिल चलती है, और उसके लिए फिर से अगर आपको जानना है तो ये साइकिल 100 साल की साइकिल होती है, 1000 साल की साइकिल जो होती है, और इनको जानना बेहद बेहद आसान है। सिर्फ आपको एक ही पॉइंट चाहिए, वो है वो कभी शुरू होती है, कैसे हुई है। ये भी आपको हिस्ट्री में से उसके हिसाब से पता चल जाती है कि हिस्ट्री में कुछ चीजें स्पेसिफिक हुई थी और ये फ्यूचर में कब होने वाली है, क्योंकि ये साइकिल साइक्लिक है, ये साइक्लिक चीजें हैं, तो ये हमेशा होती रहती है। ऐसे नहीं कि एक स्पेसिफिक दिन में शुरू हुई तो वो टाइम पे ही फिर से शुरू होगी, बट वो साइकिल्स को जानना जरूरी है। साइकिल्स कभी होती है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से, या फिर अर्थ का रेवोल्यूशन है उसके वजह से, या फिर मून के हिसाब से, या फिर अर्थ का जो रोटेशन है रेवोल्यूशन है उसके हिसाब से, या फिर और कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, राइट। जैसे ग्रह जो होते हैं, ग्रह का आप स्पेसिफिकली बोलोगे तो हाँ ठीक है चलो, जो उनका फेसिंग होता है या फिर इंटरप्रिटेशन जो होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में धीरे धीरे करके देखेंगे क्या चीजें क्या नहीं, बट उसके लिए आपको सही समय मालूम होना चाहिए, और अगर आपको वो साइकिल्स पता है तो आप पीछे में आगे में 1000 साल, 100 साल, 1 साल 2 साल आराम से आगे में जा सकते हो, और मार्केट में कभी क्या होगा ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान साहब का बोलना था, इट इज जस्ट एज इजी टू फिगर आउट 100 ईयर्स और 1000 ईयर्स इन द फ्यूचर एज 1 और 2 ईयर्स अहेड, बराबर है। तो ये साइकिल्स के बारे में बोलते हो, इसके लिए आपको हिस्ट्री का जानना जरूरी है। हिस्ट्री यानी बहुत सारी चीजों का हिस्ट्री रहता है उसमें, ये एस्ट्रोनॉमी का हिस्ट्री हो सकता है, फिर से ग्रहों का हिस्ट्री हो सकता है, सूर्य का हिस्ट्री हो सकता है, बट ओवरऑल सब चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड की है और एक एक करके हमको बताई है, राइट। तो ये चीजें हो गया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बिगन राइट। तो ये हमेशा फिर से वही चीजों पे एम्फसाइज कर रही है, देखिए घूम फिर के उनका वही बोलना है, सही बिगिनिंग आपको मालूम रहनी चाहिए, साइकिल्स मालूम चाहिए, पास्ट में कभी हुई थी आगे में कभी हो सकती है ये आपको मालूम चाहिए, राइट। और उसका कॉज क्या है क्या नहीं वो बताना नहीं चाहते हैं, वो उनको बोलना है कि शायद जनरल पब्लिक के लिए ये जानना थोड़ा एडवांस हो जाएगा, या फिर पब्लिक अभी तक ये जानने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा उनका मानना था जो उन्होंने बताया बुक के हिसाब से। तो ये फिर से वही बताते हैं, व्हील्स विद इन द व्हील्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और हमने व्हील्स विद इन द व्हील्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि जो साइकिल्स होती है, साइकिल्स यानी 120 दिन की साइकिल देखी, 90 दिन की साइकिल देखी, तो ये जो ईयरली साइकिल से, ये ईयरली साइकिल के अंदर में फिर से हमने व्हील्स विद इन द व्हील्स देखी है, ये हमको दर्शाना है बताना है, तो ये हमने साइकिल चेक की है बताई हुई है। और उनको फिर से वही बताना है कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज अ ग्रेट फैक्टर दैट प्रूव ऑल थिंग्स, राइट। तो उसके अंदर हम वो अलग अलग चीजें बताते हैं, साइकिल्स बताते हैं, 4 मिनट की साइकिल है वो कैसी आती है, 24 घंटे की साइकिल है। 4 मिनट की साइकिल के लिए बेसिक चीज है कि साल में आपके सबसे पहले तो जो टाइम पीरियड है, या फिर आप एक दिन का जो ओवरऑल टाइम पीरियड लोगे 24 घंटे, 24 घंटे को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 फॉर 60 मिनट्स,
और उसको अगर आप 360 से डिवाइड करोगे तो आपको एक डिग्री 4 मिनट का मिलेगा। तो ये सीधा डेफिनेशन है उसका, ये 4 मिनट का। ये तो सबसे छोटा साइकिल वो हो गया, मूव्स ऑन 1 डिग्री एवरी 4 मिनट्स, ये करके उन्होंने बताया। उसके बाद जो बड़ा साइकिल आता है 24 घंटे का होता है, 24 घंटे यानी दिन का हो गया, और फिर रेवोल्यूशन अराउंड इट्स एक्सिस वो एक हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट साइकिल्स आती है वो आती है 1 साल की, और 1 साल के पहले में जो छोटी साइकिल्स होती है वो 4 सीजन्स की आती है। तो 4 सीजन्स का जो हमने रेफरेंस लिया हुआ है ये कहाँ से आता है, पेज नंबर 79। दिस ब्रिंग्स अबाउट द 4 सीजन्स ऑफ द ईयर, दिस आर द माइनर साइकिल्स, बराबर। तो शायद उनका मानना था कि ये जो छोटे साइकिल्स है ये छोटे छोटे साइकिल्स हो गए, आपके बड़े साइकिल्स भी आते हैं उसके साथ में, तो हमको छोटे साइकिल्स में भी ट्रेड कर दिया, तो बहुत बड़ी बात है, हमको शायद यही साइकिल्स उसके हिसाब से ढूंढने हैं, राइट। तो ये बोलते हैं कि बड़े साइकिल्स भी होते हैं, 100 साल के होते हैं, 5000 साइकिल के भी होते हैं, 1000 साल के भी साइकिल्स होते हैं, और इनका प्रूफ जो है ऑलरेडी बाइबल में दिया हुआ है, ऐसा उनका मानना है। तो अलग अलग साइकिल्स होते हैं, कुछ साइकिल्स का उन्होंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे भी दिया हुआ है, आइए एक दो साइकिल्स का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। और तो उन्होंने बताया कि 1000 साल पहले क्या हुआ था, तो उसका उनको इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, ये 1000 साल में क्या क्या हुआ है उसका डिटेल्स है। उन्होंने कुछ 100 साल का भी एग्जाम्पल दिया था जो हमारे लिए लाइज है, हमने उसके हिसाब से चेक किया हुआ है कि ये साइकिल्स एक्चुअली हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि 1840 एंड 1822 में कुछ फीवर आया था, येलो फीवर करके, बराबर है, और ये 100 साल में रिपीट होता है। तो 1822 के बाद में ये आया था फिर से 100 साल के बाद में, 100 साल के बाद में 1922 के आसपास ये आया था, 1822, उसके बाद में 1922 में आया था, और 1922 के बाद में फिर से हमने 2021-2022 में यही साइकिल देखा है। तो ये एक साइकिल है जो 100 साल का उसके साथ से रिपीट होता है, जो शायद हमारे टाइम पीरियड में क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने बताई हुई है, और बहुत सारी चीजों के बारे में वो बताते हैं ये बुक में। चलो हम अगली चीज पे फिर से जाएंगे। नेक्स्ट चीज हमको जो देखनी है, फ्यूचर साइकिल्स हो गया 75, 78, 90, और चलो ये अभी जो कॉटन का डील से उसके बारे में चेक करते हैं। पेज नंबर 90 पे जाते हैं फटाफट। ये ट्रांसपोर्टेशन का साइकिल भी उन्होंने बताया कि एक एक करके ट्रांसपोर्टेशन का साइकिल कैसे शुरू हुआ। ये बेसिकली साइकिल्स के बारे में ही है। तो 90 पे आ गए, पेज नंबर 90। तो यहाँ पे मिस्टर केलनवर को फिर से लिखते हैं और उन्होंने बताया कि भाई मैंने बाय करना शुरू कर दिया, एंड आई बिलीव दैट यू विल बाय सम जुलाई और अक्टूबर कॉटन राइट नाउ। तो उनको वही फिर से बता रहे कि भाई चलो ये आने वाला है, मैं आपको सब चीज़ें मेरी तरफ से बता चुका हूँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी जुलाई या फिर अक्टूबर के कॉटन बाय कर लीजिए ताकि आपको उसमें मुनाफा हो। उनको बोलते हैं कि भाई चलो आप कम से कम 100 बेल्स का कॉटन बाय कर लो, ज़्यादा मत बाय करो, आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा रहेगा तो। तो उन्होंने बताया और फिर उन्होंने उनको रिप्लाई करके बताया कि हाँ चलो मैंने बाय कर लिया है, ये हो गया फ़रवरी 1 को। तो फ़रवरी 1 को मिस्टर केलिनवर्थ ने उनको बताया कि मैंने 500 बेल्स जुलाई और कॉटन के 13.7 पे परचेस कर लिए है, बराबर। तो 3 चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्राइस, क्वांटिटी और डेट। तो हमने यहाँ पे लिख ली सबसे पहले तो डेट, प्राइस और क्वांटिटी, राइट। तीनों को हम फिर से येलो में डाल देते हैं ताकि हमको पता चले कि ये हमने ऑलरेडी चेक करके कंफर्म कर लिया है। और ये मिस्टर लिख दिया है क्योंकि केलनवर उनका जो नाम है बड़ा लंबा है, मैंने शॉर्ट में सिर्फ वो डाल दिया है, दैट्स इट। उसके बाद में हम नेक्स्ट आते हैं 90 के बाद में, पेज नंबर 107। बट एक एक करके हम डिटेल्स उसमें चेक करते हैं, हम सिर्फ इसमें डेट्स का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है जानना। तो फिर शायद उसने मेरी को भी बताया कि हाँ इन्होंने भी उसके हिसाब से 500 बेल बाय कर लिए है, वो भी उससे खुश थी। तो उसने बोला कि चलो मेरे पास भी कुछ पैसे है तो मैं आपको भिजवा देती हूँ और ये पैसे से आप भी कुछ बाय कर लीजिए। तो हाँ ये नेक्स्ट पार्ट हो गया। द मंथ ऑफ फरवरी स्लोली पास्ड ऑन, कॉटन वॉज वेरी स्लो एंड इनएक्टिव, और
फरवरी 23 को क्या हुआ, इट स्टार्टेड अप एंड वेंट अप फास्ट, यानी मार्च 2 को जुलाई कॉटन हैज एडवांस टू 14.8 एंड रॉबर्ट हैड अ प्रॉफिट ऑफ 1000 एंड मिस्टर केलिनवर्थ हैड अ प्रॉफिट ऑफ 2500। ये कितना, ये तकरीबन एक महीने की भी बात नहीं है। देखिए 24 जनवरी को उन्होंने परचेस किया था, इसने 1 फरवरी को लिया था और 5/15 ये कभी की डेट है 23 फरवरी। तो 23 फरवरी को इन्होंने तो कुछ बाइक परचेस नहीं किया है, बट वो इंटरमीडिएट प्राइस है तो इसलिए मैंने उसकी उन्होंने डाले नहीं, तो उनका एक ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट था कि फिलहाल इतना प्रॉफिट है, यह बुक किया हुआ प्रॉफिट नहीं है बट आपके जो ट्रेड से उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट पता चलते हैं। मार्च में फिर से जो है वो डिक्लाइन हुआ है और मार्केट नीचे आया है 13.75 पे, राइट। तो इससे उनके जो प्रॉफिट्स थे, वर्चुअल प्रॉफिट्स, वो कम हो गए थे और उनका जो कैपिटल था अभी तक इंटैक्ट था वैसे के वैसे ही, तो हमने वो भी वहां पे डिटेल्स मेंशन कर दी है कि मार्च में 13.75 पे आ गया था, राइट। तो ये 15 मार्च की डेट है, तो 15 मार्च को हमने उसके हिसाब से डिफाइन करके बता दिया कि 15 मार्च को ये लो आया था और जो हाई था 2 मार्च को वो भी वहाँ पे बताया हुआ है 14.8 का, तो वो भी हमने उसके हिसाब से उसमें डाल दिया है, लिख लिया है, राइट। तो ये हाई लो का साइकल्स हो गया, हम उसके हिसाब से डेट्स भी दिख रहे हैं कितने कितने ने, पे मेरी ने भी शायद कुछ पैसे भेजे है, तो इसके बारे में पता है शायद मेरी। तो ठीक है चलो, मेरी का अलग से कंसिडर करेंगे, बट शायद मेरी के भी अकाउंट में कुछ ट्रेडिंग किया हुआ है। बाद में बेचती है ये, चलो एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। हाँ, have some extra money and ask him if he could let me have 300. He sent the money at once, so I now have 400 and sending it to you. तो उन्होंने 400 रुपये लिया और उसने बोला कि भाई 100 रुपये का, 400 रुपये का 100 bales कॉटन का मेरे लिए भी बाई कर लो। तो ये मैंने उसके हिसाब से बाई कर लिए और ये मेरे का हो गया 400 इन्वेस्टमेंट थी उसकी और इसने बाई किया था 2 मार्च को, तो उसका डेट भी हमने उसके लिए मेंशन कर दिया है, राइट। फिर उसके बाद में जो साइकिल्स आती है हमने चेक किए हुए, हाँ, ही टुक मेरीज ऑन 17 मार्च, अबाउट 100 bales कॉटन, 17 मार्च को उसके साथ परचेज किए, got started in the missile on April 20th. तो अभी हम आते हैं मार्च या फिर अप्रैल में, बराबर है। तो अप्रैल में उसके हिसाब से क्या हुआ, फ्लड की शुरुआत हो गई, यहाँ पे दर्शा हुआ है April 20th, April 25th का उसके हिसाब से, और फिर उनका धीरे धीरे करके जो प्राइस था वो बढ़ना शुरू हो गया या फिर उन्होंने और परचेस करना शुरू कर दिया। रॉबर्ट्स प्रॉफिट्स वेयर नाउ पाइल्ड अप फास्ट एंड मैरी हैड अ प्रॉफिट ऑफ ओवर 700 ऑन हर 100 bales। तो उसने खरीदा था तकरीबन 400 में और उसका प्रॉफिट 700 तक निकल गया स्टॉक छोड़ के, यानी उसका जो कैपिटल था वो छोड़ के। बताया था कि भाई 100 लिया है और फिर कैलिनवर्थ साहब ने उन्होंने 500 bales और ज़्यादा परचेस कर लिए हैं, तो इसने 100 लिए, इन्होंने 500 ले लिए, तो उनका प्रॉफिट धीरे धीरे करके और बढ़ रहा था, ऐसे उनको बताना था। फिर बाद में आगे की डेट से वो भी चेक कर लेते हैं, राइट। मई 1 कभी की बात है, मई में तो मई में हमको उसके हिसाब से हाई मिला था, तो 1 मई का डिटेल से वो उन्होंने दिया हुआ है उनका प्रॉफिट कितना तकरीबन आ गया है
अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो गया था, 400 का उसका पैसा जो था 1,000 हो गया था। तो 400 रुपये डाल के 1,000 रुपये प्रॉफिट निकालना बहुत बड़ी बात है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे की चीजें, 7 मई को उसके हिसाब से जो प्रॉफिट था, अगर फॉर एग्जांपल आप देखो कि रॉबर्ट का प्रॉफिट हो गया था 2,500, उसका जो कैपिटल उसने लगाया था तब तकरीबन 1,000 था, और 1,000 का 2,500 हो गया था, और मिस्टर केलिंगवर्थ ने जो लगाया था वो कैपिटल, उसके हिसाब से उनका क्या प्रॉफिट ही हो गया था 7,000 के आसपास। अभी तक उन्होंने अभी तक सेल नहीं किया है। तो नेक्स्ट हम डेट्स देख लेते हैं, क्योंकि डेट्स के हिसाब से हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं क्या हुआ, कभी हुआ, कैसे हुआ। हमको साइकिल्स जानना है। और फिर वो बोलते हैं ऑन मई 19, जुलाई कॉटन वाज अगेन अप। ये कभी की है, 19 मई, 19 मई। तो 19 मई का तो अभी तक हाई कुछ आया नहीं है, बट इंटरमीडिएट प्राइसेस है इसलिए वो दिखाई नहीं है। गॉन अप अराउंड 16 सेंट्स, तो ये बढ़े हुए हैं। और उन्होंने फिर उनके ब्रोकर को बताया कि आप जुलाई का जो वीट है वो भी खरीद लीजिए। और कॉर्न भी खरीद लीजिए, तो उन्होंने उसके हिसाब से खरीद लिया है। ये अलग से साइकिल्स है, तो बट वो अलग से साइकिल्स भी हमने उसके हिसाब से मेंशन की है। देखो वीट का हो गया 19 मई को 10,000, और उसका प्राइस जो है वो डाला हुआ है, और कॉर्न 19 मई को फिर से 0.92 पे 10,000 हमने वहाँ पे मेंशन करके डाल दिए। उसका जो प्राइस है वो अगेंस्ट में उसके हिसाब से डाल दिया 92 का, 1.38 का, तो दोनों मेंशन करके हमने डाल दिया है 1.285 और 92 का, 0.92 सेंट्स, राइट। वैसे ही केलिनवर्थ साहब का भी डिटेल्स है, वो भी डाला हुआ है। मई 21st हमारा 28 मई को आ रहा है, तो हम वो भी साइकिल चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है कैसे नहीं, क्योंकि ये समझना बेहद जरूरी है। आप अगर ये चीजें एक बार समझ लोगे तो चीजें समझना आसान हो जाएगा। ऑन संडे मई 22nd हमारा ये आ रहा है 28 मई, तो 28 मई का डेट है, वो हमको चेक करना है उस टाइम पे क्या हुआ है और क्या है। हाँ, ड्यूरिंग द वीक एंडिंग मई 28th रॉबर्ट वॉच द मार्केट वेरी क्लोजली बिकॉज ही फिगर दैट वीट एंड कॉर्न वुड बी टॉप अराउंड मई 29th मई 21st। उसको क्या करना था, फिर उसका जो प्रॉफिट्स अभी तक हुआ था कॉटन में वो सेल कर देना था। तो उसने क्या किया, कॉटन एडवांस टू द हाईएस्ट लेवल दैट वीक, यानी सैटरडे को, विच 28 मई को था, तभी वो टाइम पे शायद सैटरडे को भी ट्रेडिंग होती थी, अभी नहीं होती है अलग बात है। कॉटन एडवांस टू द हाईएस्ट 16.4, तो यहाँ पे 16.4 पॉइंट का प्राइस है, डेट डाल दिया है और हाई डाल दिया है, तो ये तकरीबन मार्केट में हो गया 124 दिन बराबर। तो उनका जो प्रॉफिट से वो मेंशन करके डाल दिया है, 3,000 का प्रॉफिट रॉबर्ट को मिला था, और उसका कंपाउंडिंग करने के बाद में उसका टोटल प्रॉफिट 6,000 था। मेरी का जो प्रॉफिट था वो तकरीबन 1,200 हो गया था, उसने बीच में और कुछ पैसे इन्वेस्ट किया था, तो उसका भी जो ओवरऑल प्रॉफिट था 2,300 था टोटल। और कैलिंदर साहब का जो कॉटन का प्रॉफिट्स था वो 25,000 डॉलर्स हो गया था। तो ये है जो बुक का इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है एक एक करके। तो हमको अगर इसके अंदर में जानना है तो क्या चीजें हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। ही फिगर्ड दैट विद द मनी वी हैड विद मिस मेरीज मनी एंड 10,000 विच आई वाज गोइंग टू गिव, तो 10,000 ये शायद मिस्टर केलिंगवर्थ 25,000 में से 10,000 रॉबर्ट को देने वाले थे, यानी आगे में देने वाले हैं स्टोरी में। तो उसका वो पैसा मिला के अच्छा खासा पैसा हो जाएगा 18,000, वो टाइम पे बड़ा कैपिटल था वो, राइट। तो हमको चलो डेट्स के ऊपर आ जाते हैं और समझते हैं इसके अंदर क्या है क्या है, बराबर। तो सबसे पहले तो हाई टू हाई का जो साइकिल से वो हम चेक करते हैं। देखिए हाई था सबसे पहले तो 2 मार्च को एक हाई आया था 14.8 का, और उसके बाद में जो हाई आया था वो आया था तकरीबन 17.5 का
10 जून को, बराबर है? ये भी आगे में दिया हुआ है पेज नंबर्स पे, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। अभी तक सेल नहीं किया ना उन्होंने, 195 उन्होंने वैसे ही रखा, बाकी के चीजों पे उनका डिस्कशन सब कुछ चल रहा था। फिर वीट का भी साइकिल दिया हुआ है, बट वीट का हम जरा अलग से देखेंगे उसको, बट जो भी प्राइसेस है उसके हिसाब से हमने डाल दिए। इनका जो भी प्रॉफिट से उसका डिटेल दिया हुआ है। हम फिलहाल सिर्फ कॉटन पे ध्यान देंगे, क्योंकि कॉटन का हमको डिटेल्स उसके हिसाब से फिर पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, और हम उसके हिसाब से फिर डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो ये आ गया 195 200 पे, चलिए 195 200 पे चलता है। पास में 195 कॉटन इस फोरकास्ट इंडिकेटेड लास्ट बाइंग लेवल्स अराउंड जून 20। तो जून 25 को था, और उसके पहले 10 जून को क्या हुआ वो भी हम चेक कर लेते हैं। बाइंग लेवल अराउंड जून 25 सितंबर 5 का था, और 10 जून से 10 सितंबर का, ये शायद 10 दिन का था गेप्स। हाँ 10 जून ही डिसाइडेड टू वॉच द मार्केट वेरी क्लोजली फॉर अ फ्यू डेज बिकॉज ही थॉट इट वुड बी गोइंग हिज फोरकास्ट इंडिकेटेड लास्ट बाइंग लेवल्स अराउंड 25। और फिर से जून 25 को वो बोल रहा था कि मार्केट में 16.83 एंड ही बॉट 500 अक्टूबर, यानी जून 25 को उसने उसके हिसाब से परचेस किए हुए। तो जून 25 को उसने जो परचेस किए है उसका प्राइस था 16.83 एंड 500 दिसंबर का जो सीरीज है उसके हिसाब से उसने बाय किया, जो 17.15 पे चल रहा था। अभी ये अगस्त का है, ये अलग से है, 17.3 का हमने प्राइस वहाँ पे मेंशन किया, बट ये जो है ये जुलाई के महीने का था, तो हम उसके हिसाब से उसको कंसिडर करेंगे। तो ये पिरामिडिंग का पार्ट है, उन्होंने दिया हुआ है एक एक करके, फिर उसने बाय किया, फिर से बाय किया, जब ये डिक्लाइन हुआ तो उसने सेल किया, कुछ बाय किया, एक एक करके उसका डिटेल दिया हुआ है। तो ये पिरामिडिंग का डिटेल दिया है। दिस वॉज द टाइम वेन यू एक्सपेक्टेड द मार्केट टू मेक फाइनल टॉप फॉर अ बिग डिक्लाइन। ऑन सेप्टेम्बर 8 ही सोल्ड 2,800 बेल्स ऑफ डिसम्बर एट 24.4 एंड ऑन द सेम डे सोल्ड 2,000 बेल्स ऑफ डिसम्बर एट 2.5 फॉर शॉर्ट अकाउंट। उसने दो अलग अकाउंट्स रखे थे, शॉर्ट और लॉन्ग का भी। तो इसके अंदर में क्या आ गया, सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि 10 जून को ये हाई बनाया था मार्केट ने 7.5 का, बराबर। अगर आप हाई टू हाई का साइकिल देखोगे, देखो 2 मार्च को सबसे पहले हाई था, और उसके बाद में ये दूसरा हाई आया 10 जून को 17.5 का, उसके पहले जो हाई था 14.8 का है, बराबर। अगर आप हाई टू हाई का साइकिल देखोगे तो ये तकरीबन ये डेट से लेके ये डेट तक, यानी 2nd of March से लेके 10 जून तक आते हैं हमारे 100 दिन। अभी हमने मार्केट में क्या चेक किया है कि अगर आपका 100 दिन का हाई टू हाई का है तो उसका रिवर्सल कितना होना चाहिए, इसका आधा दिन, यानी तकरीबन 45 डेज होना चाहिए, बराबर। तो हमने जो लो टू लो हमको साइकिल मिली है, बराबर, 10 जून से जो हमारी साइकिल हुई है 100 दिन के, तो वहां से लो लो कितना था, 17.3 का लो है, वो आया था तकरीबन 8 अगस्त को। तो अगर ये दोनों डेट्स हम उसके हिसाब से निकालते हैं तो हमको ये डेट्स मिलता है 59 का, राइट। अब ये 59 क्या है,
ये 59 कुछ नहीं है बट ये स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस है जो हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, वो दिन हाई टू हाई का और उसके बाद में 49 डेज जो है वो लो की तरफ है, बराबर है। ये चीजें हमने देखी हुई है पहले के साइकिल में और ये कंटिन्यूअसली मार्केट में ये साइकिल्स हमेशा बनाते रहती है, ये सिर्फ हमको समझने की देरी है, राइट। हमने यहाँ पे क्या चेक किया था कि अगर मार्केट आपका हाई टू हाई में 91 डेज ऊपर जाता है तो वो दिन से लो जाने के लिए आपको तकरीबन उसका आधा टाइम पीरियड लगेगा, राइट। तो मैं अगर ये हाई से लेके लो तक लूँ तो ये 49 डेज यहाँ पे आया था, तो इसका मतलब क्या है, 90 डेज हाई टू हाई और उसके बाद में हाफ ऑफ दैट टाइम फॉर गोइंग डाउन, इसे बोलते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस, जो हमने अपने यहाँ पे देख किया था। ये है 2021 का और ये जब भी वो टाइम पे मार्केट चल रहा था 1927 में, 1927 की बात है ना, सॉरी चेक कर लो उसका डेट्स, ईयर शायद लेटर में दिया रहेगा, ये सिर्फ ईयर देखना है बाकी कुछ नहीं, बट ठीक है चलो ईयर से कुछ हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अगर उसका साइकिल्स होता है तो ये कैसे काम करता है सबसे पहले तो, और फिर 100 साल के बाद में भी आप अगर देखोगे तो वही सिस्टम उसी तरह से अप्लाई करता है संडे 9 1927, राइट। तो 1927 और अभी आ गया है 2021-22, तो 100 साल के बाद में भी टिपिकली वही साइकिल्स वही स्टेज से वही तरह से काम करती है, बराबर है। वो एक चेक किया, दूसरा फिर से हमने जो चेक कर रहे हैं कि जो अगर हम देखो ये हाई था, ये था 10th जून को और उसके बाद में दूसरा आया हाई 8th सितंबर को, तो ये हाई टू हाई का जो साइकिल है ये फिर से कितने दिन का आ रहा है, ये 90 दिन का आ रहा है, बराबर है। फिर से लो टू लो का जो साइकिल है वो 25 जून से लेके 23 सितंबर तक था, ये दोनों टाइम पे उसके हिसाब से लो था, ये इसलिए मैंने स्पेशली रेड में मार्क करके रखा है। तो ये साइकिल भी आया है 90 दिन का साइकिल है, राइट। तो हमने जो दो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे देखी थी, एक तो था सीजनल साइकिल्स जो 90 दिन का होता है, 120 दिन का होता है, हाई टू हाई या फिर लो टू लो, यहाँ पे हमने दोनों चीजें देखी है। ये हाई टू हाई जो है यहाँ पे हाई मेंशन किया, यहाँ पे हाई मेंशन किया और उसका डेट जा रहा है 10 जून और 8 सितंबर, तो इसका अगर हम गणित देखेंगे तो ये 90 दिन का होता है और लो टू लो का जो साइकिल होता है वो 25 जून से लेके 30 सितंबर तक, तो है लो टू लो उसके हिसाब से हो गया 90 दिन। तो 90 दिन का हाई 90 दिन का लो ये भी हमने चेक किया, और दूसरा हमने जो पिछले बार देखा था स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस, अगर 100 डेज मार्केट ऊपर रहता है हाई टू हाई तो उसके बाद में 50 दिन मिनिमम मार्केट नीचे भी आएगा, ये थियरी को बोलते हैं स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस, राइट। और ये हमने तो सिर्फ अपने मार्केट में चेक किया था, कंफर्म करवाया था, जैसे मैंने आपको बताया 90 डेज अप और उसके बाद में स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस में 50% डाउन होता है, कम से कम 45 डेज 49 डेज वो मार्केट नीचे गया, तो ये एक थियरी था। और दूसरा हमारा जो थियरी था 90 डे सीजनल साइकिल्स 120 डे सीजनल साइकिल्स, ये हमने दोनों हमारे मार्केट में अभी टेस्ट किया 2021-22 के मार्केट में, ये पहली चीज होगी। और यही चीज ज्ञान साहब ने 1927 में उसके हिसाब से वो टाइम पे की थी और उन्होंने वही साइकिल्स उसके हिसाब से दर्शाई हुई है, ये मार्केट में वो टाइम पे हुआ था और ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड ऑलरेडी है और उसके हिसाब से मार्केट में ये चीजें हुई थी। तो 100 साल के बाद में भी वही चीजें उसके हिसाब से साइकिल्स के हिसाब से हो रही है, ये हमको इम्पोर्टेंट दर्शाना था, ठीक है। तो चलो इसके बाद में फिर से हम और एक नए चैप्टर में फिर से मिलेंगे डिटेल्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।